प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गुजरात के सूरत में गणेश चतुर्थी के दौरान पंडालों पे कुछ शांति दूतों ने पथराव किया, जिसकी चर्चा न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी हो रही है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को, जो इसी टॉपिक पे रिएक्शन लेंगी। भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लायक खान जी का, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, दमदार होगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप इसे लेटेस्ट नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। हमारा भारत इतना बड़ा, इतना सक्सेसफुल हो चुका है, जो राहुल गांधी जी को शायद अपने भारत की तारीफ करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। भारत सेटअप कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पर, और किसके साथ मिलकर? हाँ, और किसके साथ मिलकर के? रशिया के साथ मिलकर के। और और जो मेमोरेंडम पर सिग्नेचर हुआ है, उस सिग्नेचर के तहत 2036 तक में हमारा चांद पर न्यूक्लियर पावर जो है वो सेटअप हो जाए। मुसलमानों ने जाकर के हिंदुओं का गला रेता है और हिंदू बेटियों की बोटियां की हैं। आप आफ्ताब वाला वो पूरा डिटेल्स निकालिए, उसमें श्रद्धा की बोटियां करके वो फ्रिज में रखा, वो बहुत हॉरिबल केस था, बिल्कुल। राजस्थान के कन्हैया का कैसे गला रेता था, और वीडियो भी किया था, और खून लगे चाकू और तलवार के साथ उसने वीडियोग्राफी भी की थी कि हमने असलाम के जस्टिफिकेशन पर हमने गला रेत दिया। तो ये प्रोपेगंडा है गंगा जमुनी तहसील। तुम पत्थरबाजी करोगे, तुम बम मारोगे, तुम प्रदर्शन करोगे, तुम नारा लगाओगे हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम भारत के पार्लियामेंट पर तुम अटैक करोगे, तुम मंदिरों को तोड़ोगे, और वो इको लीगल सिस्टम उन मुसलमान आतंकवादियों को सेफ करता है अपने पैसे से। अहमदाबाद में तकरीबन 7 से 8 आतंकवादी अरेस्ट हुए थे मुसलमान, जिन्होंने वहां पर बमबारी की थी अहमदाबाद में, जिसको बचाया किसने था? जमायतुल उलमाए हिंद ने उनका केस लड़ा। फ्रेंड, मैं हूं शायला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शायला, और आज हम आपके लिए दो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेके आए हैं। पहली खबर अगर आपके साथ शेयर करते चलें तो गणेश पंडाल, सनातन धर्म में हिंदुइज्म के अंदर ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है जिसमें करोड़ों सनातनी रोड्स पे निकलते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हैं। और ये वाकया हम जो आपके साथ बयान करने जा रहे हैं ये सूरत का है कि वहाँ पर गणेश पंडाल नाचता गाता खुशियाँ मनाता जो है गुजर रहा था कि वहाँ पर देखा यह जाता है कि कुछ लोगों ने वहाँ पर पथराव किया और कहते हैं ना खुशियां बांटने वालों के हिस्से में पत्थर आए। और 2002 के बाद अगर बात करें तो ये ऐसा पहला वाकया सूरत के अंदर रिकॉर्ड किया गया जहां पर हिंदुइज्म से रिलेटेड फेस्टिवल के ऊपर पथराव किया। अगर हम इससे पहले यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, तो ऐसे बहुत से वाकयात वहां पर रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन गुजरात को एक बहुत कहते हैं ना कि पुरअमन स्टेट माना जाता है कि 2002 के बाद कभी किसी की जरूरत नहीं हुई कि वहां पर पथराव कर सके या वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश कर सके। अब जो है गणेश पंडाल के ऊपर पथराव होता है, भगदड़ मचती है लोगों में और पुलिस जो है एक्टिव हो जाती है। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि 100 करोड़ सनातनियों का हिंदुस्तान है, लेकिन जब जब हम देखते हैं कि कावड़ यात्रा हो, गणेश पंडाल हो या दुर्गा माँ की पूजा हो, ये सारे के सारे वो रिलीजियस फेस्टिवल है जो हिंदुइज्म के अंदर मनाए जाते हैं, पथराव होना अब एक लाजिम सी चीज करार दी जा रही है। इसके ऊपर नाजिया जी से बात करते हैं क्योंकि खबरें ये आ रही है कि 33 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ऐसा होता ही क्यों है? अगर ईद की बात करें, जुम्मा की बात करें, क्या वहां पे भी ऐसा कुछ होता है या सिर्फ सनातन से ही रिलेटेड ऐसी खबरें जो है रिकॉर्ड की जाती है? तो नाजिया जी को वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच नाजिया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, और पाकिस्तान के 1% जो बचे हुए हिंदू हैं उनको नाजिया लाई खान की तरफ से, भारत की इस बेटी की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत आश्चर्य होता है शैला, बहुत आश्चर्य होता है कि भारत इस पूरी दुनिया में एक वाहिद देश है जिसने माइनॉरिटीज को फलाया फुलाया है, जिसमें माइनॉरिटीज बढ़े हैं और सुरक्षित रहे हैं। हमें याद है कि आजादी के वक्त हमारे भारत में 7 करोड़ जो है वो मुसलमान हुआ करते थे, आज हमारे देश में 22 से 25 करोड़ मुसलमान है, 72 फिरके और 58 कास्ट को मिला करके। मुझे याद है कि 77,000 मस्जिदें हुआ करती थी इतिहास के पन्नों के हिसाब से हमारे भारत में,
आज 3 लाख से ऊपर एक्टिव मस्जिदें हैं। बाकी जो मस्जिद में अगर नहीं जाते हैं युवक और रोड पे नमाज पढ़ते हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है या सरकार का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जित मदरसे जो चंद हुआ करते थे वो लाखों में बदल चुके हैं, इमामबाड़े मजारे जो चंद हुआ करती थी वो लाखों में बदल चुके हैं। हालांकि इस पे एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है कि पीरो मुर्शिद अब कैसे पैदा हो रहे हैं जो इतनी मजारे अचानक से पैदा हो जा रही हैं। करेक्ट है, ठीक है। हमारे यहाँ भारत में ईद की जब नमाज होती है पूरा सुकून और पुलिस की बैरिकेडिंग दे करके और पुलिस पोस्टिंग दे करके नमाजें करवाई जाती है। बकरीद की नमाज होती है, जानवरों का पूरा मेला लगता है, मुहर्रम का जुलूस जलसा होता है, 12 रबी अव्वल अभी मनाएंगे सब कोई, 12 वफात मनाएंगे सब कोई, उसमें ईद मिलादुन नबी होता है, उसमें मिलाद होता है, और कहीं पर भी गाहे बगाहे भी आप यह खबर नहीं सुनिएगा कि कोई पत्थरबाजी हुई है या कोई भगदड़ मचा है। मुसलमान अपने फेस्टिवल को, अपने त्योहार को, अपने सारे रिचुअल्स को इतने पुरसुकून तरीके से और अंडर द बैरिकेड, अंडर द पोस्टिंग ऑफ पुलिस एंड सिक्योरिटी वो पूरा करते हैं। लेकिन जैसे ही कावड़ यात्रा निकलता है पत्थरबाजी गोली बम, जैसे ही माँ दुर्गा विसर्जन निकलता है भाई इसको रोको मुहर्रम का जुलूस करने दो, जैसे ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है पत्थरबाजी और यहाँ दंगाबाजी स्टार्ट हो जाता है और हमेशा अरेस्ट मुसलमान होते हैं। बजाबते सीसीटीवी फुटेज निकाल दिया जाता है और चेहरा राउंड राउंड करके दिखा दिया जाता है और फिर उसकी पुष्टिकरण की जाती है, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये मेरे लिए एक भारतीय मुसलमान होने के नाते मेरे लिए नजर जो है वो झुक जाने वाली बात आती है कि जब भी पत्थरबाजी होती है मुसलमान का नाम आता है, मुसलमान का ही नाम आता है। वाकई में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे और उन्होंने एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बनाया था कि 2002 के दंगे के बाद वहां पर कभी भी एक फुलझड़ी भी नहीं फूटी। ठीक हो, झगड़े और झमेले में कोई गैदरिंग नाम की चीज बना करके भी वहां पर कभी भी कोई झमेला नहीं हुआ। मैं खुद 2019 में अहमदाबाद, गुजरात, उसके बाद फिर भावनगर, उसके बाद सूरत में लोकसभा इलेक्शन की कंपेनिंग में गई थी 2019 में और मैंने जो वहां पर बंगाली मुसलमानों को मैंने वहां पर एज अ सुनार जो मैकेनिक का काम होता है, शिप में मैकेनिक का काम होता है, ज्यादा से ज्यादातर मुसलमान थे जो वहां पर काम कर रहे थे क्योंकि मुझे बंगाली भाषा भी बहुत अच्छे से आती है। तो मैंने उनसे बंगाली में बात किया था कि आप बंगाल छोड़ करके यहाँ क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नौकरी और सैलरी इतनी नहीं मिलती है, इसलिए हम लोगों को गुजरात में इज्जत भी मिलती है और सैलरी भी ज्यादा मिलती है और नौकरी भी मिल जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर है। अब बताएं, गणेश चतुर्थी मैंने मनाया अपने चैम्बर में जो हर साल मैं मनाती हूँ, आपके साथ भी लास्ट ईयर मैंने इस पर बैठ करके एक बहुत अच्छा शो किया था हमने कि गणेश चतुर्थी मैंने मनाया है, मेरे खिलाफ फतवा, सारा अली खान फतवा नहीं मतलब मेरे खिलाफ एक हैंडबिल बांटा गया 5 लाख से ऊपर। सारा अली खान जो एक बॉलीवुड एक्टर है जो सनातन धर्म की तरफ बहुत बहुत उनको एक इमोशनली अटैचमेंट है, उनके उनको ट्रोल कर दिया गया, उनको गाली गलौज भी हिंदू है ना सारा अली खान की, तो उनको गाली गलौज कर दिया गया। अब हिंदू जो इस देश में है या वो मुसलमान जो गंगा जमनी तहजीब को लेकर के चलते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को लेकर के चलते हैं, जो संविधान को मानते हैं, अब अगर वो अब आराम से अपनी गणेश चतुर्थी मना रहे हैं और जो धर्म वाले जो मजहब वाले चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना अगर वो कर रहे हैं तो आपको खुजली काहे को हो रही है भैया, आप काहे को पत्थर मार रहे हैं। अच्छा ठीक है, पत्थर मारा तो मारा, वहां पर भगदड़ मचाया तो मचाया, उसके बाद घर में जा करके बाहर से ताला लॉक कौन करती हैं? उनके घर की महिलाएं हिजाबन जिहादन, इसीलिए मैं हिजाबन को जिहादन बोलती हूँ, बाहर से लॉक कर देती हैं उसके बाद। और पुलिस भी देखिए सूरत की कितनी एक्टिव है, उन्होंने जितने घरों में जा करके रात में रेड किया है सबका वीडियोग्राफी किया है ताकि कोई एलिगेशन उनके ऊपर ना आए, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाएं जो है वो किसी के ऊपर भी एलिगेशन डाल सकती है। ये जो हिजाबन जो होती है ना ये बड़ी खतरनाक होती है, जो पढ़ी लिखी शिक्षित मॉडर्न जो लड़कियां होती हैं जो किसी पद प्रोफाइल पर होती हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट बात करती हैं, लेकिन जितनी ये हिजाब वाली और दिमाग में और इनके भीतर में बहुत सारे खुराफात जमा होते हैं और वो खुराफात ऐसे दिखाई देते हैं कि जब लोगों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस गई तो उन्होंने दिखाया बजावते
वीडियोग्राफी करके कि देखो बाहर से ताला लगा करके इन्होंने रखा है ताकि लोगों को लगे कि अंदर भीतर में कोई है ही नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहाँ पे आपने देखा नाजिया खान जी ने कैसे इन शांति दूतों को एक्सपोज किया जिनमें ना सिर्फ मर्द बल्कि जैसे नाजिया खान जी ने कहा कि हिजाब के पीछे जो छुपी हुई हिजाबने हैं उनके भी नाम है। और जैसे कि हम जानते हैं कि नाजिया खान जी ने भी गणेश पूजा की थी तो उनके खिलाफ ना सिर्फ फतवे जारी किए गए हैं बल्कि उनको जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। पर हम सबने मिलकर नाजिया खान जी को सपोर्ट करना है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।